Hello friends and welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss how to find the square roots of perfect squares. देखिए कंडीशन यहाँ पे मैं क्लियरली स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर्स की. अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो प्लीज कीप इन माइंड वहां पे आप जनरल अजम्पशंस इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए अब इनको सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिफिकेशन मेथड कैसे होता है कि ये जो नंबर हमारे पास दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. तो देखिए जनरली होता क्या है कि अगर आपके पास लीनियर क्वेश्चन है फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो आप ही आपको ये वर्ड स्पेसिफाई कर देंगे कि अपॉन सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द इंटीजर ऑब्टेन. तो इंटीजर ही बात आपको क्लियरली बता रहा है कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो परफेक्ट इंटीजर आएगा ना कि कोई रैशनल नंबर. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये अपने पास जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है. इसके अलावा हमारे पास दो और आइडेंटिफिकेशन मेथड है. वो ये है कि अ परफेक्ट स्क्वायर, जो बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की, तो अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8. यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी में कभी भी 2, 3, 7 या 8 ये नहीं आता है. इसके अलावा एक लास्ट है, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस. यानी इसमें आखिरी में ऑड नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं होते हैं. तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आखिरी में ऑड नंबर ऑफ जीरो, जैसे कि 3 जीरो आखिरी में या फिर 2 जीरो आखिरी में होंगे नहीं. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका अगर किसी डाउट है तो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अंडर रूट ऑफ 265000, तो इस तरह अगर अपने पास ऑड नंबर ऑफ जीरो आएगा तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. या फिर अगर हमारे पास 2, 3, 7, 8 भी आखिरी में तो यहाँ पे भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है. तो नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व अ परफेक्ट स्क्वायर वेरी इजिली. जब हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए तो देखिए जनरली हमारे पास जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम इनके फैक्टर्स निकालें और फैक्टर्स निकालने के बाद सॉल्व करें, विच इज अ वेरी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस. देखिए जो मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक, मींस अ शॉर्टर अप्रोच. अगर आपका ये मेथड ग्रिप बन गया तो आप किसी भी तरह के स्क्वायर रूट को विद इन 1 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आप इसको खुद वही प्रैक्टिस करें, देखिए बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि टेक्स हार्डली लेस देन अ सेकेंड टू सॉल्व एनी परफेक्ट स्क्वायर. उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकल लेता है. अब देखते हैं इसका रूल क्या है. सबसे पहला स्टेप जो ये होता है वो कैसे भी नंबर दिया अपने पास, चाहे 4 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो, चाहे 6 डिजिट हो, हम सिर्फ आखिरी के दो नंबर्स को अलग करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि जो लास्ट के दो नंबर्स हैं या फिर आपके राइट हैंड साइड से जो दो नंबर बचते हैं इनको हम अलग करते हैं. और इनको अलग करने के बाद जो इसमें भी यूनिट प्लेस पे नंबर है उसके दोनों ऑप्शन चेक करते हैं. दोनों ऑप्शन बोले तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक के जो स्क्वायर्स हैं उन सब में यूनिट प्लेस पे जो नंबर आता है वो 2 में रिपीट होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, 9, तो 1 के स्क्वायर में हमारे पास क्या आता है 1 और 9 के स्क्वायर में क्या आता है 81. यानी इन दोनों में ही यूनिट प्लेस में हमारे पास 1 आता है. इसी तरह अगला ऑर्डर है 2 और यहाँ पे रिवर्स में जाइए 8, 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 64, यानी यहाँ पे भी 4 आएगा. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 3, अपने पास हो गया यहाँ पे 1, 7, 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 49, यहाँ पे भी 9 आएगा लास्ट में. इसी तरह अपने पास हो गया 4, 6, इन दोनों में ही 6 आता है एंड में. और लास्ट बचता हमारे पास 5 में हमेशा 5 ही आएगा. तो ये होता है आपको आइडेंटिफिकेशन की यूनिट प्लेस पे क्या पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन है. तो हम यहां से जब इन दोनों को अलग करते हैं तो इसमें जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसके यूनिट प्लेस में कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है इनमें से हम वो चेक करेंगे. तो 1, 1 में आता है और 9 में आता है आखिरी में. तो 1 स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्सो 9 स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी. अब इनमें जो फाइनल आंसर है हमारे पास उसको अब चेक करते हैं. तो उसको चेक करने के लिए जो यहाँ पे बच जाता है हमारे पास 26, यहाँ बचा हमारे पास 26. तो 26 से जो जस्ट छोटा, ऑलवेज रिमेंबर हम बात करते हैं लेस की, वी नेवर टॉक ऑफ मोर, कि 26 से जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है. यहाँ पे हमारे पास ये है 5 स्क्वायर. तो अगर हमारे पास ये 5 स्क्वायर है तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे 26 से क्लोजनेस. तो द नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए हम यहाँ पे 2 स्टेप में सीखेंगे. पहला स्टेप है क्लोजनेस वेरिफिकेशन, कि आप देखेंगे कि इसके कितने पास में है या कितने दूर है. दूसरा स्टेप होता है मैथमेटिकल अप्रोच. मैथमेटिकल अप्रोच मेरे हिसाब से देखिए लंबा है, आप उससे मत जाइए, क्लोजनेस समझिए. क्लोजनेस समझना बहुत आसान होता है. तो यहाँ पे पहले तो हम ये चेक करेंगे, देखिए रूल इज वेरी क्लियर, जितने नंबर से आप बच गए उनको यहाँ पे लिख लीजिए और इनसे छोटा, जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको यहाँ पे कंपेयर करिए. तो जो 25 है, 25 हमारे 26 के
इज इट फार और क्लोज, तो हमने देखा कि इट इज वेरी क्लोज, यानी कि क्लोज की रेंज में आ गया ये। अगर परफेक्ट स्क्वायर जो इससे जस्ट छोटा है वो इसके पास में है, तो इसका मतलब है कि यही हमारे पास ऑप्शन होगा, यानी कि 51। और देखिए सबसे पहले तो यहाँ से हमने 5 जो निकाला, उस 5 से हमने 51 और 59 ये कंक्लूजन निकाल लिया कि यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, या तो 51 का स्क्वायर या तो 59 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन सा सही है वो हम इस क्लोजनेस से चेक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेट मी रिपीट दिस प्रोसेस, 26 से छोटा 5 स्क्वायर है, तो 5 यानी कि 51 या फिर 59, इन दोनों में से कोई एक ही सही आंसर होगा। अब ये वेरीफाई करने के लिए इन दोनों से कौन सा सही आंसर है, जो पहला स्टेप है वो है क्लोजनेस, तो हम चेक करेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर है 25 ये 26 के पास में है कि दूर में है। तो हमने देखा कि 25 जो है 26 के बहुत पास में है, तो अगर क्लोज है तो क्लोज में हमेशा क्या होता है, स्मॉल सही होता है, ये रूल है। अगर क्लोज है तो स्मॉल सही है, अगर फार यानी दूर तो दूर में हमेशा लार्ज वाला सही होता है, जो बड़ा होता है वो सही होता है। लकीली यहाँ पे 25 जो है वो क्लोज है, क्लोज मतलब छोटा नंबर सही होगा, इसका मतलब है 51 इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ लेट अस वेरीफाई बाय सेकंड मेथड। एक बार फिर इसको समझा देता हूँ मैं कि अगर आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर से छोटा वाला है उसके काफी पास में है, इसका मतलब है कि वो ही यहाँ पे आमने, तो इसका मतलब अगर ये पास में है तो छोटा वाला आंसर ही सही होगा, 51, 59 में छोटा कौन सा है, 51, तो ये सही होगा। बाई चांस अगर ये दूर होता तो लार्ज वाला सही होता, लार्ज बोले तो अपने पास 59 है, 59 ही सही होता। तो ये अपने पास हो गया पहला मेथड, लेट इज लुकिंग बाय क्लोजनेस। इसको वेरीफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, बट मेरे हिसाब से देखिए क्लोजनेस इज मच बेटर, इट इज वेरी वेरी फास्ट। इसको सिखाऊंगा कैसे भी करते हैं यूजिंग सम मोर शॉर्टर अप्रोच। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच की, तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर आया 5, यहाँ हमारे पास नंबर 5 आया था तो 5 को यहाँ दोबारा लिख दीजिए, और 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6, तो 5 × 6 मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 30। वंस अगेन जो यहाँ पे लेस देन आया था परफेक्ट स्क्वायर उसका नंबर यहाँ लिख के, उसके बाद जो अगला नंबर आता है काउंटिंग में से 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 × 6 30। अब ये जो नंबर था इसको कंपेयर करिए, तो 26 हमारे पास यहाँ पे छोटा है कि बड़ा है 30 से, ये छोटा है, कंपैरिजन हम कर रहे हैं 26 का, तो 26 हमारे पास छोटा है कि बड़ा है, 26 हमने देखा छोटा है, इसका मतलब है छोटा आंसर सही है। तो अपने पास दूसरा मेथड है वो ये है, मगर जो पहला मेथड है इट इज मच मच बेटर एंड मच मच फास्टर देन कंपेयर टू द सेकेंड मेथड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, लेट अस डिस्कस फ्यू मोर एग्जाम्पल्स विच विल क्लियर योर डाउट्स। जो सेकेंड एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ, लेट मी टेक अ 3 डिजिट नंबर, तो मैं ले लेता हूँ 12544, लेट मी टेक नाउ 12544। अब रूल भी यही कहता है कि जो आखिरी के दो डिजिट्स हैं इनको अलग करिए, और इसमें जो यूनिट प्लेस पे है उसे चेक करो कि ये किस में आ सकता है। तो 4 एक 2 के स्क्वायर में पॉसिबल है यूनिट प्लेस पे, और एक 8 के स्क्वायर में पॉसिबल है यूनिट प्लेस में, तो ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन को मिल रहे हैं। अब जो नंबर हमारे पास बच गया यानी कि 125, इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 125 जो है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 11 का स्क्वायर यानी कि 121, तो हमारे पास जो पॉसिबल आंसर है वो एक तो हो गया 112 और दूसरा हो गया 118, ये दोनों में से कोई एक हमारे पास सही आंसर होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे क्लोजनेस, जो मैं पहला स्टेप सिखाया था। क्लोजनेस क्या कहता है कि 11 का स्क्वायर यानी कि 121 125 के पास में कि दूर है, तो इट इज वेरी वेरी क्लोज। अगर ये क्लोज है तो हमने रूल सीखा था कि क्लोज का मतलब क्या है कि स्मॉल विल बी सही, इज करेक्ट, एंड फार वाला कहता है लार्ज विल बी करेक्ट। तो अगर ये क्लोज है तो हमारे पास छोटा वाला सही होगा, यानी कि 112 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इन केस अगर आपको पहला मेथड सूट नहीं करता तो दूसरा मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मेथड था कि जो नंबर यहाँ पे आया 11 उसको उसके बाद वाला नंबर यानी कि 12 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पाया 132। 132 से अब हम 125 को कंपेयर करेंगे, तो 125 132 से क्या है छोटा, देखिए जहां कंपैरिजन कर रहे हैं मैं उसी को ब्लॉक में पुट कर रहा हूँ, तो हमने देखा कि 125 जो है ये 132 से छोटा है, अगर ये छोटा है इसका मतलब है छोटा आंसर ही सही होगा। तो ये तो हमारे पास हो गया मेथड। नाउ लेट अस सी फर्दर हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट इवन डूइंग दिस मेथड। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना अगर हमें कि सीधे यहां से हमको यहाँ आंसर लाना है, तो जैसे ये 12544 था, सीधे 112 आपको आंसर बताना है कि कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो नाउ लेट अस सी दिस ट्रिक directly and very very fast. Now let us apply that trick directly and solve this question within less than a second.
देखिए इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है, पहला अप्रोच समझ लीजिए, आपने पास जो भी नंबर दिया है, दिया है 3481, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 3481 से, देखिए हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, 1 से इसको भूल जाइए आप। आप यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को एक कॉमन लगाइए, विजुअली अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि आखिरी के दो नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी नंबर चेक करें। तो 34 से जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है अपने पास, 5। दैट्स इट, आप सीधे उसको लिख दीजिए आग बंद करके, कि हर बार ये फिक्स आता है। आपने देखा है अभी तक जितने भी दो क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि जो यूनिट प्लेस के नंबर है उन्हें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, लेकिन जो अपने पास बाकी के नंबर से वो तुरंत निकल आते हैं। तो वंस अगेन 34 से जो जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा है, 5 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 का, यानी 5 आ जाएगा। अब 25 यानी 5 का स्क्वायर 34 के पास है कि दूर है, तो ये दूर है, दूर मतलब बड़ा सही होगा। तो 1 किस किस में आता है, 1 में और 9 में, तो बड़ा नंबर कौन सा, 9। तो ये है 59 का स्क्वायर। तो देखिए अगर आप इसको डायरेक्टली करेंगे तो ये लेस देन 1 सेकंड लेगा। कैसे, 34 छोटा क्या है, 5, और 5 का स्क्वायर 25, इससे पास एक दूर है, दूर है इसका मतलब है कि बड़ा सा सही होगा 1 का। तो 1 का बड़ा कौन सा है, 1 या 9, 9। दैट्स इट। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्जैक्टली लेस देन 1 सेकंड में। 134 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 11 का, 11 से दूर है यानी कि बड़ा सा सही होगा, तो 116। देखिए ये आपको 1 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व हो गया। इसको फिर से सॉल्व करता हूं मैं धीरे से। 134 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 121 यानी कि 11 का है, तो यहाँ पे 11 फिक्स हो गया। अब 11 यानी कि 121 134 से काफी दूर है एज कम्पेयर टू 144। तो 121 अगर इससे दूर है तो 6 के जो ऑप्शन है यानी कि 4 और 6, उनमें से बड़ा कौन सा है, 6, तो 6 ही आएगा यहाँ पे, वरना 4 आता अगर छोटा तो पास होता। तो इस तरह हम लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 70 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा अपने पास, ये है 8 यानी 8 का स्क्वायर 64। अब 64 70 के पास है कि दूर है, ये काफी पास होता है, तो इसका मतलब है 6 के फिर से दो ऑप्शन है, कौन से दो ऑप्शन है, 4 और 6, तो इस बार छोटा आंसर सही होगा, यानी 84। तो इसका मतलब है कि अगर इसका जो अपने पास परफेक्ट स्क्वायर है छोटे वाले वो पास में है तो छोटा सही है, दूर है तो बड़ा सही होगा। तो दिस इज सिंपलेस्ट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन विद इन लेस देन अ सेकंड फॉर स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। वी विल कंटिन्यू विद मोर ऑफ ट्रिक्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।